बिहार में शराब से लोगों की मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में शराबबंदी लागू करने को लेकर अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हों, लेकिन शनिवार को उनके गृह जिले नालंदा में ही कथित तौर पर 8 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। वहीं आज रविवार को अब तक 11 लोगों की संदेहास्पद मौत हो गई है। बता दें, सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में शनिवार से हो रही मौत का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। आज भी कुल 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि प्रहलाद कुमार पुलिस के डर से शराब पीकर घर में छिपे हुए थे, जिसकी मौत घर पर ही हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही DSP सदर डॉक्टर सिबली नोमानी प्रहलाद के घर पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है, जबकि 2 अन्य लोगों की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इधर घटना के बाद से ही क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोई भी शराब का व्यापार करते पकड़ा जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।